क्रिस्टल बॉल, मुझे जल्दी से भविष्य दिखाओ। मैं देख रहा हूँ, अब तुम्हें चोरी और आग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम जल्दी ही एक अमीर इंसान बन जाओगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुझे जाके अपनी बीवी को बताना चाहिए। क्या ये भविष्य बताता है? क्रिस्टल बॉल, मुझे इस आदमी का भविष्य बताओ। अगर तुम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो तुम्हें मिठाई छोड़नी होगी और कसरत शुरू करनी होगी, वो भी आज से ही। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा। अगला कौन है? मैं हूँ। फिर से आप? क्या इस बार तुम मुझे मेरे होने वाले पति का नाम बताओगे? उसका नाम? ये नहीं हो सकता। क्यों? मेरे फूल तुम्हारे लिए काफी नहीं है? शांत रहो, शांत रहो। क्रिस्टल बॉल, उसका नाम बताओ मुझे। ओ जादुई क्रिस्टल बॉल, मुझे उसका नाम बता दे, मुझे उसका नाम बता दे। करोगे? कौन है वो? क्या तुम जल्दी बताओगे उसका नाम? ठीक है। अब मुझे तुम्हारी काबिलियत पे शक होने लगा है कि तुम कुछ बता भी सकते हो। क्या तुम्हें मिला? मुझे उसका नाम तो नहीं पता चला, पर मैं उसे यहीं आसपास देख रहा हूँ। सच में? कहाँ है वो? जाओ जाकर बाहर देखो, वो बाहर खड़ा है। सुनो, रुको तुम, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं बेकर की बेटी हूँ और मेरी शादी तुमसे होने वाली है। शादी? बच गया, वो लड़का दिलचस्पी ले रहा है। उसने ये भी बताया कि इस साल के अंत तक एक छोटी सी लड़की पैदा होगी मैरियन सिम्पसन को। मैरियन सिम्पसन को पहले से ही 4 लड़कियां हैं और ये सभी जानते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि उसने ये बता दिया कि उसे फिर से लड़की होगी? और उसने ये भी बताया कि थॉमस की दादी अगले हफ्ते बीमार होगी और ये कोई नहीं बता सकता। और उन्हें बुखार भी होगा। आधे से ज्यादा लोग मौसम की वजह से बीमार हुए हैं, इसमें कौन सी नई बात है? और बूढ़े लोगों पर इसका ज्यादा असर होता है, ये बात तो मीशा भी बता सकती है। पर माँ वो? चुप हो जाओ कैथरीन, तुम माँ को गुस्सा दिला रही हो, समझी? तुम दोनों गुस्सा दिला रही हो, अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। जी माँ। उसने ये कैसे बताया कि बेकर की लड़की की शादी इतने अच्छे लड़के से होगी? जरा रुको कैथरीन। हाँ माँ। तुमने बेकर की बेटी कहा? हाँ, सबसे बड़ी वाली, जिसके बारे में आपने कहा था कि शादी नहीं होगी। जब हम उसकी बेकरी में गए थे तो वही हमें सामान दे रही थी, और जैसे ही उसने पैसे दिए उसे वो लड़का वहीं मिल गया, उसी तंबू के बाहर था वो। उन्होंने ये बात बता भी दी है कि अगले हफ्ते उन दोनों की शादी है। सिंड्रेला? सिंड्रेला, मुझे फौरन इस बात का जवाब चाहिए कि आखिर तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? मैंने तुम्हें कई बार पुकारा था। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? जब तुम्हारा काम हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि तुम गांव जाकर उस भविष्य बताने वाले को यहाँ बुला कर लाओ। भविष्य बताने वाला? हाँ। ठीक है माँ। मैंने उसके बारे में सुना है, वो जादुई गोला इस्तेमाल करता है। क्या वो मुफ्त में बताता है? काश ऐसा ही हो, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे अपना भविष्य जानना है। हमें गांव पहुंचना होगा क्योंकि उसे ढूंढने में समय लगेगा। लो आ गई तुम सिंड्रेला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो पहले पार्क चलते हैं। सही कहा, चलो। काश वो यहाँ मिल जाए। वो किस तरफ गया पैच? शायद वो गांव छोड़कर चला गया हो। मुझे भूख लगी है। पैच, कहाँ जा रहे हो?
मैं जानती हूँ तुम भूखे हो, पर तुम ऐसे लोगों को खाने के लिए परेशान नहीं कर सकते। वो देखो अखरोट। वापस आओ पैच। हाँ? ये तुम्हारे कुत्ते को क्या हो गया है? मुझे लगता है तुम्हें इसे बांध कर रखना चाहिए। मुझे माफ कीजिए, वो ऐसा कभी नहीं करता। अगर तुम लोग सचमुच भूखे हो तो तुम लोग वहाँ दुकान से जाकर ले सकते हो। पर मेरे पास पैसे नहीं है। क्या आप मेरे दोस्तों को कुछ दे सकते हैं ताकि वो आपका पीछा छोड़ दें? हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहती हो कि ये सब मैं उन्हें खाने दूँ तो तुम्हें उनके पैसे देने पड़ेंगे, समझी? हाँ चलो पैच, हमें भविष्य बताने वाले को ढूंढना है, वरना जब हम घर पहुँचेंगे तब माँ हमें सजा देंगी। भविष्य बताने वाला? हे रुको, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ उसे ढूंढने में। हाँ? सच में? इसकी बात मत सुनो सिंड्रेला, ये बहुत चालाक लड़का है, मत सुनो इसकी। और हाँ मेरी बात सुनो, तुम्हें तो पैसे देने ही होंगे क्योंकि वो बिना पैसे लिए किसी को भविष्य नहीं बताता, समझी? मेरी सौतेली माँ काफी अमीर है। ठीक है, तो मैं भविष्य बताने वाले को शाम को तुम्हारे घर भेजता हूँ। तुम कहाँ रहती हो? मुझे लगता है कि वो लड़का भविष्य बताने वाले को जानता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे भेज ही देगा। पर अगर उसने नहीं भेजा तो हमें माँ के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। मैं माँ को बता दूंगी कि यहाँ क्या हुआ। अभी हमें घर जाना होगा क्योंकि मुझे रात का खाना तैयार करना है। चलो पैच। पहले मैं पूछूंगी उससे अपने बारे में। किस लिए? मुझे सबसे पहले भविष्य जानना है। ये सही नहीं है, माँ ने कहा था मेरा पहला हक है सब जानने का। पहले कौन जानेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भविष्य तो वही रहेगा ना। सिंड्रेला, भविष्य बताने वाला कब आएगा? तुमने उसे ढूंढा तो है ना? नहीं अभी तक नहीं। क्या? मैं अपने भविष्य के बारे में कभी नहीं जान पाऊंगी। इसकी वजह बताओ। एक लड़के ने कहा है कि वो उसे यहाँ भेज देगा। क्या तुम उस पर भरोसा कर सकती हो? कौन है वो और वो तुम्हें कहाँ मिला? हाँ, तुम्हें नए दोस्त बनाने से फुर्सत हो तो मेरा काम करोगी ना? बहुत ही लापरवाह हो गई हो तुम। चलो अब बताओ कौन है ये लड़का। मालकिन, कोई मेहमान आया है, वो आपसे मिलना चाहता क्या है। कहा? मेहमान? वो भी इस वक्त? हाँ मालकिन, वो एक बुजुर्ग आदमी है, उन्हें यहाँ भेजा गया है, कहते हैं कि वो भविष्यवक्ता हैं। उन्हें अंदर भेजूं? वो आ गया। मैं भविष्य बताने वाला हूँ, मेरी क्रिस्टल बॉल आपका भविष्य बताएगी। क्रिस्टल बॉल? आपको जो भी जानना हो बताइए मुझे, मैं क्रिस्टल बॉल से पूछकर आपको बता सकता हूँ। ये आपको आपका भविष्य बता सकती है। पहले मैं जाऊंगी जेन। मैं ही? तुम नहीं? मैं ही जाऊंगी। मैं जाऊंगी। किधर से जाऊं मैं? ओ माँ, ये बिन बताए कहाँ जा रहे हैं? क्या आपकी मदद करूं? आज काफी थकावट भरा दिन था और आपने मेरी खातिरदारी भी नहीं की, इसलिए मैं खाना खा के सोना चाहूँगा। ये आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? आपको जो भी जानना मैं सुबह बताऊँगा। अच्छा ठीक है, हम सब सुबह तक रुकेंगे। सिंड्रेला, इन्हें अपने साथ रसोई में ले जाओ और कुछ खाने को दे दो। तब तक मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई परेशान करे, समझी? हाँ। और मैं नहीं चाहती कि कोई मेहमान वाले कमरे में जाए, ठीक है? ठीक है माँ, मैं समझ गई। और हाँ देती हूँ, देखो उसे कितना भुक्कर है, पांचवी बार खा रहा है। मुझे फिक्र है कि आपका पेट ना दुखे इतने सारे सूप से। बात अगर खाने की हो तो मैं सब कुछ खा लेता हूँ। अरे आप आज एक छोटे से कमरे में सोएंगे, पर वहाँ का नजारा बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये वहाँ सोएगा तो सिंड्रेला कहाँ सोएगी? पता नहीं। ये मेरा कमरा है, उम्मीद करती हूँ यहाँ आपको अच्छे से नींद आएगी, आप आराम कीजिए। तुम कहाँ सोओगी फिर? अगर मेरा बस चलता तो मैं वहाँ ऊपर बादलों में सोती, पर आज की रात मैं किचन में सो जाऊंगी। कल मिलते हैं, कोई जरूरत हो तो आवाज़ दीजिएगा। कितनी प्यारी लड़की है।
क्रिस्टल बॉल, मुझे इस खूबसूरत लड़की के भविष्य के बारे में बताओ। हे ईश्वर, ओ, कुछ नहीं। फिर से कोशिश कीजिए, मुझे यकीन है इसकी शादी राजकुमार से होगी। क्रिस्टल बॉल आपसे सहमत नहीं है मोहतरमा, इन लड़कियों की शादी राजकुमार से नहीं होगी। मैंने आपके लिए इतना किया और आप ऐसा भविष्य बता रहे हैं। काश कि मैं इस सच्चाई को बदल सकता, लेकिन मैं वही कहता हूँ जो क्रिस्टल बॉल मुझे दिखाता है। मैं समझती हूँ, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। क्या अब मेरी बारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा देखूं तो। हाँ, नहीं। सिंड्रेला, अंदर बहुत धूल मिट्टी है, जाओ जाकर सफाई करो, उसके बाद सबके लिए चाय बना कर लाओ। आप इन्हें मेरी गुड़िया नहीं दे रही है ना, ये मेरी माँ की निशानी मैं है। मैं तुम्हें फिर से नहीं कहूँगी, जाओ अंदर सफाई करो। इस खास गुड़िया के तुम्हें बहुत अच्छे दाम मिल सकते हैं। ओह शुक्रिया, ये बहुत सुंदर है। क्या जाने से पहले एक बार फिर से भविष्य बताना चाहोगे? मैं कोशिश करता हूँ। क्रिस्टल बॉल, मुझे इन दो प्यारी लड़कियों का भविष्य दिखाओ। ओह, ये तो अविश्वसनीय है। मेरे बारे में बताओ ना। आप एक बड़े महल पे राज करेंगी। मैं एक राजकुमारी बनूंगी। और मेरे बारे में क्या है? ओह, आप भी एक राजकुमारी बनेंगी। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी पता था, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। सिंड्रेला, आप इतना भी मत रो। चिंता मत करो सिंड्रेला, हम कैसे भी तुम्हारी गुड़िया वापस ले आएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तुम सब पर बहुत भरोसा है। मेरी माँ हमेशा मेरे पास यहाँ मेरे दिल में है, और वो गुड़िया मेरे लिए कीमती है। पता है, ज्योतिष से गुड़िया ले लेंगे, डरो मत, वो हमें वापस कर देगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हाँ? पियर, इन्हें घर पहुँचा दो। जी मालकिन, आइए आइए बैठिए। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी। पैच, रुको, तुम उसे फाड़ दोगे। हमें उनको पीछे करना होगा। ये नहीं हो सकता, वो गाड़ी से जा रहे हैं। हम कर सकते हैं, हार मत मानो सिंड्रेला। ये तो किसी ने निशान छोड़े हैं, कौन हो सकता है? चूचू और बिंगो। मुझे उनके खाने के लिए चीज सैंडविच बनाने होंगे। मेरे लिए भी। हाँ जरूर। तुम्हें क्या हुआ? मैं तो बस तुम्हारे आंसू रोकना चाहता हूँ। कोशिश करूँगी। बस यही रोक दो। देखिए, अगर आप चाहते तो हम आपके घर भी छोड़ सकते हैं आपको, हमें कोई तकलीफ नहीं है। इसकी जरूरत नहीं, शुक्रिया। हाँ? बुरी आदमी की सबसे बहुत दुश्मन है ये। सही कह रहे हो तुम। पहुंच ही गए।
ये मेरी समस्या नहीं है। पर मैं तुम्हारे लिए उदास क्यों हूँ सिंड्रेला? तुम्हारे पास घर है, परिवार है, वो सब कुछ है जो मेरे पास नहीं है, तो क्यों? चलो देखते हैं किस चीज का व्यापार करूँ आज मैं, शायद इस बर्तन का या तुम फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। लो वो यही है। अब हम क्या करेंगे सिंड्रेला? तुम तो वही हो जिससे मैं कल मिली थी। तुम यहाँ क्यों आई? तुम मेरे गुड़िया के साथ क्या कर रहे हो? उस भविष्यवक्ता ने ये गुड़िया मुझे दी थी। हाँ, ये अब मेरी है। ये गुड़िया मेरे माँ की आखिरी निशानी है, उन्होंने ये मुझे दी थी, मुझे वापस दे दो। बोलो तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए और मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। उस भविष्यवक्ता ने मुझे बताया था कि यह गुड़िया बहुत ही कीमती है, इसकी कीमत चुकाओ और ले जाओ। ये सही नहीं है, तुम बहुत बुरे हो। क्या तुम्हें किसी की भावनाओं की कदर नहीं? मुझे दो वो। नहीं, मैं तो बहुत खड़ूस और खुदगर्ज लड़का हूँ ना, जिसके पास एक गुड़िया है। कुछ ज्यादा ही झूठ बोल रहे हो तुम। सिंड्रेला, इसकी शरीर की गंध बिल्कुल वैसी ही है जैसे उस भविष्यवक्ता की थी। हाँ, इसकी लंबाई भी उतनी है। यहाँ कौन रहता है? वो भविष्यवक्ता, और कौन? हाँ? हे, तुम क्या कर रही हो? ये सब क्या है, बताओ मुझे। एक दाढ़ी और मुखौटा, और क्या? तुम वो भविष्य बताने वाले की एक्टिंग कर रहे थे, तुम सबको झूठ बोल रहे थे। ये सब बकवास है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो सिंड्रेला। तो ये कपड़े कौन पहनता है बोलो? मुझे नहीं मालूम, यहाँ के मालिक से पूछो। एक दिन के लिए इतना झूठ काफी होता है। दरअसल मैंने ही वो पोशाक पहनी थी और भविष्यवक्ता होने का ढोंग कर रहा था, क्योंकि लोग मुझे वो चीजें देते हैं जिनका मैं व्यापार कर पाता हूँ, मैं यही काम करता हूँ। ये मैंने इसे क्यों बताया? हे, अब जाने भी दो मुझे, मैं वादा करता हूँ मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी माँ के पास जाओ, उन्हें सब कुछ सच बताओ और ये वापस दे दो। पहली बात तो उनका कोई हक ही नहीं बनता ये मुझे देने का, ये तुम्हारी है। मैं उन्हें कह दूंगा कि मैंने तुम्हें ये वापस दे दी है। मैं सब सच बता दूंगा उन्हें। हा? इसमें मेरा नुकसान ही क्या है? या नहीं? ओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी क्रिस्टल बॉल ने आपकी बेटियों के बारे में कुछ नई बातें बताई हैं, सोचा आपको बता दूं। मुझे लगा कि आप वो बातें जानना चाहेंगी। क्या है वो? चलो जल्दी से बताओ मुझे। उस दिन मैंने झूठ कहा था मोहतरमा। क्या? आपकी लड़कियों का भविष्य तभी अच्छा होगा जब वो अच्छी रहे और मेहनत करे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये बहुत मजा आया। उसने तो तुम्हारी गुड़िया का जिक्र भी नहीं किया। सुना तुमने? अब मुझे आखिरी भविष्यवाणी करने दो, ठीक है सिंड्रेला? सिंड्रेला, तुम्हारा भविष्य तो सच में बहुत सुनहरा है। मुझे ये सुन के अच्छा लगा, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम पर यकीन है। सिंड्रेला, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कभी कभी भविष्य सही में दिखता है, मेरी बात का यकीन करो। अगर ऐसा है तो तुम ये खाने का सामान रख लो दोस्त। शुक्रिया, अपना ख्याल रखना सिंड्रेला, अलविदा। फिर मिलेंगे यान। मुझे लगता है ये लड़का अकेला है। मुझे भी। पर उसने तुम्हारे भविष्य के बारे में बिल्कुल सही कहा है। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारे भविष्य में बदलाव है, आज से तुम कड़ी मेहनत करोगी और सबसे अच्छे से पेश आओगी, समझी तुम दोनों?